अखिल भारतीय यादव महासभा ने महाराणा प्रताप चौक से लेकर अशोक लाग तक कैंडल मार्च निकाल 2 मिनट के लिए मौन कर पुष्पेंद्र यादव की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए शासन प्रशासन को जमकर कोसा और पुष्पेंद्र यादव मृतक के परिवार को प्रशासन से 5 करोड़ मुआवजा की मांग करते हुए अति शीघ्र मांगे ना पूरी होने पर पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस मौके पर मौजूद एडवोकेट द्वारकेश सिंह मंडेला व पूर्व नरेली ब्लॉक प्रमुख शंकर दीन यादव के पुत्र अवधेश सिंह यादव व अमन मिश्रा, आकाश वर्मा, अजय सिंह, अनिस अहमद, राजा यादव, सूरज सिंह दिनकर, रिंकू यादव आदि लोग मौजूद रहे। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की छवि दिन पर दिन गिरती जा रही है, ऐसे क्या कहते हैं मामलों को लेकर, इस पर क्या कहना? बहुत कई मसले आए हैं, प्रतिदिन यही मसले आ रहे हैं। पुलिस जो है लापरवाही बरत रही है, अपने कर्तव्य में निर्वाह नहीं कर रही है और इसके विरोध में हम लोग कल 12 बजे यहीं से एक राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे और ये सारी मांगे रखेंगे। क्या नाम है आपका और किस तरीके का कैंडल मार्च निकालना है? मैं प्रमोद आजाद, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा से। अभी 6 तारीख को जो झांसी में कायराना हरकत प्रशासन ने किया, सिर्फ 1.5 लाख रुपए न देने की वजह से एक जात विशेष के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है उसका उदाहरण ताजा भी आपको झांसी में मिला। पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत था और इसमें नीचे से लेकर के शासन प्रशासन का पूरा हाथ था, कोई आदमी आगे न बढ़ पावे और जो बढ़े वो खास बिरादरी के लोग बढ़े। एक समय था जब ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, आज तो नालायक और जंगल और निरंकुश राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से संभल नहीं रहा या फिर उनकी साजिश से एक बिरादरी विशेष के लोगों को, और मैं तो कहूँगा कि SC भी